इसे कॉल था सभी ने सही किया। फर्स्ट x टू पावर 5 प्लस n x टू पावर n माइनस 1 सेकंड फंक्शन टू पावर प्लस n n माइनस 1 अपॉन n 2 फर्स्ट फंक्शन टू द पावर n माइनस 2 सेकंड फंक्शन टू द पावर 2 एक्सपांड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, x टू पावर 5 5 इंटू 3 15 x टू पावर 4 इंटू 5 ये 2 से डिवाइड कर दोगे 5 टू द 10 और यहाँ 3 स्क्वायर 9 है 9 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 2 से 10 5 इंटू 10 3 क्यूब 27 इंटू 10 टू 7 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 3 4 कैंसिल हो जाएगा 5 3 टू पावर 4 इज 81 81 इंटू 5 405 एक्स वाई पावर एंड फाइनली 3 टू पावर 5 इज 243 वाई टू पावर 5 होता है 3 टू पावर 5 = 243। कुछ पावर्स आपको याद रहने की है, ठीक है, तो वहाँ सॉल्व करके बाद बैठना ये इसका एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था सेकंड, 2 + 5x^-r जब किसी भी पावर हो माइनस आर फ्रैक्शनल पावर्स हो नेगेटिव पावर्स हो तो बेटर होगा कि फर्स्ट पावर फंक्शन जो है उसको वन बनाए, टू किया अगर वन करें कैसे करेंगे बाई टेकिंग दिस 2 to the power -1/2 अब इस खैर कैसे कॉमन निकालते हैं 2 to the power -1/2 कॉमन निकालिए आप कह सकते हैं कि 2 to the power -1/2 का बाहर मल्टीप्लाई किया और अंदर डिवाइड किया तो अंदर डिवाइड करने से हमारा बन जाएगा ठीक। और यहाँ क्या हो जाएगा 5 × 2 to the power -1/2 का अगर 2 निकाला है तो 5/2 x^-1/2 अब इसको एक्सपांड करिए इजीली हो जाएगा 1 + x^-1/2 ठीक है। इसको ऐसे करते हैं 1 + nx ऐसे होता है प्लस n n माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर कितना इजी हो गया 2 to the power -1/2 को आप बराबर 2 to the power half लिख सकते हैं वैसा भी रख सकते हैं जैसा लिखा हुआ है यहाँ 2 to the 4 जाएगा 5/4x 1/2 यहाँ निगेटिव तो ओवरऑल टू पॉजिटिव 1/2 3/2 इंटू 25/4x^2 सिंपलीफाई करेंगे 25 × 4 × 3 = 75 4 × 8 × 16 ठीक है ये आ गया इसका जो आपने काफ़ी लंबा लंबा किया है किया है आपने वह बहुत लंबा खींचा है इस तरीके से ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज सिमिलर इफेक्टिव हो जाएगी इससे 2 − 3x^-2 है तो आपने 2 to the power -2 को कॉमन निकाल दिया तो अंदर में क्या 1 − 3/2x टू द पावर माइनस टू सॉल्व कर दिया इसका ठीक है। ये याद रखना ये फोर पर जो सबसे ज़्यादा आता है बता दो आपको कि 11 के एग्जाम में मैनेजमेंट का एप्लीकेशन आया ठीक है फिजिक्स में जनरली दिस क्वेश्चन इज वेरी पॉपुलर 27 − x^(3) = a + dx देन फाइंड ए एंड बी तो इसमें भी आप क्या करेंगे 27 to the power 3 को कॉमन निकाल तो कितना बच गया हमारा −x/27 3 to the power 3 होता है तो 3 to the power 3 / 1 यहाँ 1/3 अंदर जाएगा इंटू −x/27 ठीक है 3 to the power 3 से 1/3 कैसे हो जाएगा 3 बचेगा 1 − x/3 आगे की पावर को नहीं लिया मैंने क्योंकि आपको सिर्फ a + dx के लिए अभी फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो इसके बाद उसके आगे के टर्म्स को नहीं लिया एक्सपांडिंग टर्म्स अब इस पर ठीक है अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहली बॉल साइज a = 3 जाएगा b = -1 ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा आता है ठीक है ना तो ये हो गया फाइनल टर्म के 4 क्वेश्चन जो ठीक है। इसके अंदर छठवा 6 बताया फिर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी अपने एरर्स टू एरर की जो कैलकुलेशन है वो पूरे पढ़ेंगे तो फिर लास्ट वाला पावर आज के पावर लास्ट ठीक है तो अभी तो 6 क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली वो डायमेंशनल इक्वेशन का एक एप्लीकेशन है और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड ठीक है। क्वेश्चन क्या था ये सब बता दूं मैं एवरीवन सेटिस्फाइड सभी को समझ में आ गया है इनटू बी माइनस बी इक्वल टू आर इनटू टी ये क्वेश्चन है ये वाटर वॉल्स इक्वेशन कहलाता है इट्स फॉर रियल गैसेस हम पढ़ेंगे इसको जब थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे वी विल फाइंड आउट दैट आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल गैसेस नॉट फॉर रियल गैसेस फॉर रियल गैसेस दिस वाटर वॉल्स इक्वेशन इज फॉर अब इसको हम यूज करेंगे सारे रूल्स जो कि हमने डायमेंशनल इक्वेशन में पढ़े थे पहला रूल
तो फिजिकल टू फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड आर सब्सट्रैक्टेड आर इक्वेटेड ओनली व्हेन दे आर डायमेंशनलेस. प्रेशर कैन बी एडेड टू प्रेशर, वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम हो सकता है, वॉल्यूम प्लस फोर्स नहीं हो सकता. ठीक है, सो टू डायमेंशनली सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड सब्सट्रैक्टेड आर इक्वेटेड, ये पहला नंबर. ठीक है, एंड सम ऑफ सच टू फिजिकल क्वांटिटी आर सच सम ऑफ सच टू डायमेंशनल इक्वेशन इज दैट डायमेंशनल इक्वेशन इटसेल्फ, दैट इज एल प्लस एल इक्वल्स टू एल, ये बताया था. ठीक है, अब यहां पर पी में ए अपॉन वी स्क्वायर एंड हुआ है, पी डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ पी मस्ट इक्वल डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर. बोला जी ऐड किया है पी का क्या होता है एम एल माइनस वन पी माइनस टू बोथ अपॉन एरिया. डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ ए अपॉन डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ बी स्क्वायर मींस एल क्यूब स्क्वायर, वॉल्यूम का क्या होता है एल क्यूब. इधर ट्रांसफर कर देंगे तो डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ ए मिल जाएगा आपको एम टू द पावर वन माइनस वन इन सिक्स, तो एम टू एल टू द पावर फोर. एल टू द पावर फाइव माइनस वन प्लस सिक्स एंड टी टू द पावर माइनस. This is damage equation of E. ठीक, सिमिलरली यहाँ V माइनस बी तो बहुत सिंपल है, V माइनस बी इम्प्लाइज डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ V मस्ट बी इक्वल डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ V. डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ V क्या होता है U, दैट इज डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ. ठीक है, बहुत ही निकल गया, किसको किसको बन गया था ये प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यूब. ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है. Where A, B, C are constants and X is displacement and T is time. X is displacement and T is time. So, we have find dimensional equations of A, B and C. ठीक है, यह आपको मैं देखेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा. अब फिर इसमें भी यही मूवी यूज करना है, क्या चीज आप इक्वेट कभी कर सकते हो या ऐड कभी कर सकते हो जो डायमेंशन से. तो उत्तर क्या हुआ भाई, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ ए टी मस्ट बी इक्वल डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ बी टी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ सी टी स्क्वायर. तो ये क्वेश्चन सी टी करेक्ट सी टी. तो करोगे एक्स का क्या होता है एज डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ ए इंटू टी, तो ए इंटू टी का कितना आ जाएगा टी इज इक्वल टू b into t square is equal to c into t cube. ट्रांसफर कर देंगे तो a का कितना हो जाएगा lt minus 1, इसको ट्रांसफर करेंगे b is equal to lt minus 2 and c is equal to lt minus 2. तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है. ठीक है, और अक्सर आते हैं इसलिए मैंने जो दूसरा अपने छोड़ चुके थे ऐसे कुछ क्वेश्चन ये नहीं थे तो इसलिए मैंने दिया. दैट एरर इन सम इज मैक्सिमम व्हेन साइन ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई आर सेम. Error in difference is maximum when sine of delta x and delta y are opposite. So, error in product is maximum when sine of delta x and delta y is same. Error in division is maximum when sine of delta x and delta y are opposite. And then sine maximum error in powers में तो आपको पता है power जितनी high होगी उतनी error ज़्यादा होगी. N आता है x to power n. तो अपने पहले किया था इज दैट इक्वल्स टू एक्स टू पावर एन देन डेल्टा जेड अपॉन दैट इक्वल्स टू एन इनटू डेल्टा एक्स अपॉन. तो हायर द वैल्यू ऑफ एन लार्जर द वैल्यू ऑफ डेल्टा. अब हम रियलाइज किया कि नया टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. ध्यान रहे कई बार स्कूल्स में क्वेश्चन पूछ लेता है लेकिन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ज्यादा. ठीक है, तो अपन पहले उसका सॉल्व कर लेंगे प्रॉब्लम और फिर उसका एप्लीकेशन. If a physical quantity, question ही आता है step से, quantity z is related to x, y and r as z equals to x to power a, y to the power b upon r to the power c, then find maximum possible डिविजन भी है और हर किसी के पावर्स भी है, तो एक कॉम्बिनेशन.
और इसी टाइप जनरल बिजनेस की जो क्वान्टिटी होती है वैसी आती है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू 2 पाई एंड रूट ऑफ एल अपॉन जी, या 2 पाई एल टू पावर बाई 2 अपॉन जी टू पावर बाई, ठीक है। अब ये पावर्स भी हैं और डिविजन भी है। तो जनरली जो क्वान्टिटी होती है फिजिक्स में वो सीधा सीधा सम डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ जीरो का दो का डिविजन का सिंपल होता है, ठीक है। जनरली यार सच कॉम्प्लिकेटेड एंड इन दैट केस यू वांट टू फाइंड आउट मैक्सिमम पॉसिबल कैसे करेंगे। फिर वही कि एक्स को आपने क्या कहा, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, वाई इज वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई, आर इज आर प्लस माइनस डेल्टा एक्स, तो जेड ऑल्सो विल कंटिन्यू ऑन इट, दैट विल बी जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स टू पावर ए, वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई टू पावर बी, आर प्लस माइनस डेल्टा आर टू पावर सी, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब इसको यहीं पर आप क्या कर सकते हैं, एक्स टू पावर ए कॉमन निकाल सकते हैं, वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स टू पावर ए, वाई टू पावर पावर बी कॉमन निकालेंगे, वन प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई टू पावर बी अपॉन आर टू पावर सी इन टू वन प्लस माइनस डेल्टा आर अपॉन आर टू पावर सी, ठीक। रीअरेंज कर लेंगे इसको आप किस तरह से, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू एक्स टू पावर ए y to power b upon r to power c in. Using binomial theorem, we can move this a inside b. So, क्या हो जाएगा? 1 plus minus a delta x upon x into 1 plus minus b into delta y upon 1 plus minus c delta r upon r. लिख सकते हैं? Using binomial theorem. क्या था? Using binomial theorem 1 plus x to power n. Nearly equal to 1 plus mx. Now that x is very small compared to 1. Yeah, hai. Yes, I can use delta x upon x. They are very small values compared to 1. And that's why we can use this particular theory. Now, we have to multiply this. This goes that to the replace the divide, divide by 1. So, z plus minus delta z upon z. x into a y to power b upon r to power c upon x to power a y to power b r to power b. इसका मल्टीप्लाई करते हैं 1 plus minus a delta x upon x plus minus b delta y upon y plus minus a b delta x delta y upon x y. इसमें आपको बहुत ज्यादा धैर्य पेशेंस की जरूरत है, ठीक है। आपने जरा सा पेशेंस खोया हो गया, इसको ऊपर ले आएंगे, पावर वन का ऊपर ले कितना हो जाएगा, वन प्लस माइनस सी डेल्टा आर अपॉन आर टू पावर माइनस, ठीक है। ये पूरा इससे हो जाएगा जेड अपॉन जेड वन हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा आर अपॉन, यहाँ पर आप क्या करेंगे इसको अंडरलाइन करूंगा, दिस पॉइंट इज नेगेटिवली स्मॉल, डेल्टा एक्स इन डेल्टा वाई अपॉन एक्स वाई दे वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, तो उसको नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, उसको नेग्लिजिबल कर देंगे। तो उस कंडीशन में क्या बचेगा, वन प्लस माइनस ई डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस बी डेल्टा वाई अपॉन वाई छोड़ दिया, और यहाँ पर बारे में जब से माइनस वन बदल गया, वन प्लस माइनस माइनस वन इंटू सी डेल्टा आर अपॉन, ठीक है। अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा होगा, वन का वन में वन प्लस माइनस, पहले पहले क्वांटिटी का वन से कर देते हैं, ए डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बी डेल्टा वाई अपॉन, अब इसका इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस सी डेल्टा आर अपॉन आर, इसका इसमें होगा तो प्लस माइनस माइनस ई सी डेल्टा एक्स डेल्टा आर अपॉन एक्स सी टू आर, इसका इसमें होगा तो प्लस माइनस माइनस बी सी डेल्टा वाई डेल्टा आर अपॉन वाई इंटू आर। ध्यान से छह टर्म आएंगी, यहाँ तीन है वहाँ दो है, थ्री इंटू टू सिक्स टर्म्स विल बी देयर, वन का वन में हुआ वन, ए इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का वन में हुआ तो इतना, बी इंटू डेल्टा वाई अपॉन वाई का वन में हुआ तो इतना, फिर इस सी वाले का वन के साथ हुआ तो क्या हो गया, माइनस सी डेल्टा आर वाई, माइनस सी का ए के साथ हुआ तो माइनस ई सी डेल्टा एक्स डेल्टा आर अपॉन एक्स में हुआ, माइनस सी का बी के साथ हुआ तो माइनस बी सी डेल्टा वाई डेल्टा आर अपॉन वाई, कोई
जीरो पॉइंट टू मैग्नीट्यूड, ठीक मैग्नीट्यूड करने के बाद कितना बचेगा, इक्वल टू वन प्लस माइनस ए डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस बी डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस माइनस माइनस सी डेल्टा आर अपॉन इज इक्वल टू वन प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन ये वन से वन अप है, ठीक है। अब आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फाइनल डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल ए डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस बी डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस माइनस माइनस सी डेल्टा आर अपॉन ये प्लस माइनस है, ये आपके इक्वेशन बन जाएगा कितना हुआ वन ये था प्लस इसको टू। अब इसको मैक्सिमाइज करना है, हाउ विल यू मैक्सिमाइज इट बाय टेकिंग द साइंस, एक्स का साइन पॉजिटिव है वाई का साइन पॉजिटिव है लेकिन आर का साइन नेगेटिव है क्योंकि सामने क्या आ रहा है माइनस सी आ रहा है तो माइनस माइनस विल बिकम मैक्सिमम, सो मैक्सिमम एरर विल टेक प्लेस व्हेन साइन ऑफ डेल्टा एक्स और मैक्सिमम एरर लिखने की जरूरत नहीं, सीधा फॉर्मूला लिख देंगे और मैक्सिमम एरर डेल्टा जेड अपॉन जेड मस्ट इक्वल टू प्लस ए डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस बी डेल्टा वाई अपॉन वाई माइनस माइनस सी डेल्टा आर अपॉन, ठीक है, और माइनस ए डेल्टा एक्स अपॉन एक्स माइनस बी डेल्टा वाई अपॉन वाई और यहाँ क्या लिखे प्लस माइनस सी डेल्टा आर अपॉन, इन दोनों का साइन तो सेम लेना है लेकिन इसका साइन कैसा लेना है दोनों का सेम लेना है सेम सेम और इसका साइन हमेशा कितना लेना अपने को ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको मैक्सिमम मिल जाएगी कितना नेगेटिव मिल जाएगा, तो आप बोल सकते हैं मैक्सिमम इज ए सम ऑफ ऑल, ठीक है, तो सबको अपने क्या करना है मॉड लेने करके सिंपलीफाई करना है, मॉड ऑफ ए डेल्टा एक्स अपॉन ए प्लस मॉड ऑफ बी डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस मॉड ऑफ सी डेल्टा आर अपॉन आर, मॉड लगा दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता है पॉजिटिव साइन के साथ ऐड करना है, ठीक है, तो ये मैक्सिमम होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तो समझ में आया होगा कि हाउ टू सॉल्व इट, बीच के स्टेप्स जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं समझ में बनेगी, समझ में आ गया, लिखने बैठोगे तो बीच में गड़बड़ करोगे, तो इसलिए मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ ध्यान से समझिए, ठीक है, आपने से कितने को पूरा पूरा समझ में आ गया, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है किसी ने पूछा है मैंने देख नहीं पाया जाके मैसेज देख रहा हूँ, ये कैम स्कैनर से मैंने लिया था और मैंने दोनों जगह डाला था, व्हाट्सएप में भी लिंक डाला था उसका, ठीक है, और यहाँ भी दोनों जगह, ठीक है, मैंने अपने उसका वर्क में डाला था, तो अब अगली बार से बता दिया करूँगा पहले से, ठीक है, इस बार डेल्टा पी अपॉन बी इज थ्री डेल्टा सी अपॉन सी इज फोर एंड डेल्टा डी अपॉन डी इज टू 2% रिस्पेक्टिवली, सभी को देखा है एवरीवन गॉट दिस क्वेश्चन, ये सब का तो उसने पूछा मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ पी, पूछा है इफ द वैल्यू ऑफ पर्स पी कैलकुलेटेड यूजिंग द अबव रिलेशन turns out to be 3.763. To what value should you round off the result? ठीक है, तो पहले तो मैं एरर निकाल लेता, ठीक है, उसके बाद देखेंगे अपन कितने पॉइंट तक उसको राउंड ऑफ करना है, तो पहले डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल पावर सामने आ गया है तो पी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस टू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस हाफ डेल्टा सी अपॉन सी एक्चुअली माइनस माइनस प्लस हो गया है और प्लस वन डेल्टा डी अपॉन इस पावर वन ना सी वैल्यू थ्री डेल्टा ए अपॉन इज 1% टू डेल्टा बी अपॉन बी 3% 1/2 इंटू 4 प्लस इंटू 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 13% ये एरर डेल्टा बी अपॉन, ठीक है, अब आपने जो डेल्टा पी निकालना है डेल्टा पी दैट विल बी 13% ऑफ 13/100 ऑफ 30%, ठीक है, पी की वैल्यू आपको कितनी है 3.763 13/100, ठीक है, आंसर दीजिए।
आज से 3.8 आया हुआ है।